हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो, मैंने अपना एक ब्लॉग डाला था, डेली ब्लॉग जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, उसमें मैंने ये उत्तपम की रेसिपी, उत्तपम का वीडियो शेयर किया था। तो मुझसे कोई पवन जी हैं, उन्होंने कई बार मुझे कमेंट्स करके बोला है ये उत्तपम की रेसिपी शेयर करने के लिए। सो, पवन जी, ये देखिए मैं रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक कटोरी रवा सूजी और एक कटोरी दही। अगर दही थोड़ा सा खट्टा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, नॉर्मल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग चाहें तो दही में थोड़ी देर के लिए नमक डाल करके रख दीजिए, 15 से 20 मिनट के लिए, दही थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने दही और सूजी को अच्छे से मिक्स किया है। इसमें डालेंगे बहुत हल्का सा नमक, इसके बाद इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, ये ऐसे थिक कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए हमको। जब ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम कट कर लेंगे कई सारी वेजिटेबल्स, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इसमें शिमला मिर्च, खीरा, मटर, टमाटर, प्याज सारी चीज़ें थी, तो मैंने इन सारी चीज़ों को कट कर लिया। और अभी उत्तपम के लिए सबसे पहले बना लेंगे हम मीठी चटनी। सो, मैंने इसको बनाने के लिए यूज़ किया है अमचूर पाउडर। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया, उस पर मैंने डाला है बहुत थोड़ा सा जीरा, फिर उसमें डाला है मैंने चीनी, और इसके बाद में अमचूर को मैंने रात में भिगो करके रख दिया था। 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर डाला था और उसको पानी डाल करके भिगा दिया था, फिर उसको पीस लिया है। तो उसको इसमें करेंगे मिक्स और उसको थोड़ा सा चलाएंगे, जब ये पकने लग जाएगा तब इसको बंद कर देंगे गैस को। तो अभी ये देखिए, जो हमने भिगा करके रखा हुआ था सूजी और दही को एक साथ, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया। उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसका थोड़ा थिक बैटर बनाएंगे। ये देखिए आप, इसको अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है ताकि सूजी जो है ना वो और अच्छे से फूल जाएगी। और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हमें एक अच्छा घोल तैयार करना है, जिससे चीला बनाने में बहुत आसानी हो। बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है कि चीला बहने लगे। हमें बस ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करना है, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा, आइडिया नहीं मिलेगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी अभी और ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इससे क्या होगा, जब हम वो बनाएंगे चीला तो वो फैलेगा नहीं ठीक से। अभी ये कंसिस्टेंसी जो है ये सही है, हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। फिर इसके बाद मैंने नॉर्मल लोहे का तवा यूज़ किया है। आप लोग फ्राई जो भी होता है, नॉन स्टिक पैन और जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बनाया है लोहे के तवे में, जो मैं नॉर्मल रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें डाला है थोड़ा सा तेल, उस तेल को पूरे तवे पे अच्छे से फैला दिया है ताकि तवा पूरे में तेल हो जाए, कहीं भी डोसा हमारा जो है वो चिपके नहीं। थोड़ा सा वेट करेंगे तेल के गर्म होने का, और गैस को हमें रखना है लो फ्लेम पे, नहीं तो जो तवा है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और चीला जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। अभी हम एक चम्मच से बैटर को डालेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा सा फैलाएंगे, बहुत पतला नहीं करना है, बहुत पतला करने का ट्राई करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो गैस को हमें लो ही रखना है, तो हमें ऐसे साइड से हल्का सा ऐसे करके देखना है, चिपक तो नहीं रहा है। अभी ये साइड से देखिए ये कलर चेंज होने लगा है इसका, इसका मतलब है ये पकना स्टार्ट हो गया। फिर हम इसमें जो भी हमने वेजिटेबल्स काट करके रखी हुई थी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च सारी चीज़ें, इसमें हम ऊपर से ऐड कर देंगे। और खीरे को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था कद्दूकस से। अभी ये नीचे से ब्राउन हल्का हल्का दिखने लगा है ना, इसका मतलब है कि ये ठीक से पक गया। मैंने इसमें ऊपर डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल और अब इसको पलट देंगे। कितना अच्छा सा जो हमारा चीला है वो बन करके हो गया है तैयार, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो इसको दूसरी साइड भी हल्का सा पका लेंगे, दूसरी साइड बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमने वेजिटेबल्स डाली हैं, वो जलने लगेंगे। तो इसको ऐसे प्रेस कर करके हमें अच्छे से पकाना है।
अभी इसको पलट करके देखते हैं ये कैसा बना है। ये जो तवे पे हल्का हल्का सा ये चिपक गया, इसको निकालना है साफ। और ये देखिए ये कितना टेस्टी सा और बहुत ही दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी भी है खाने में। और ये हमारी हमने चटनी बनाई थी अमचूर पाउडर की, वो भी बन करके हो गई है तैयार। तो ऐसे करके हम और भी काफ़ी सारे चिल्ले जो भी हमें बनाने हैं वो बना लेंगे। बस हमें वेजिटेबल्स तभी डालने हैं जब जो चीला हमारा है वो हल्का हल्का सा पकना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑयल ऊपर से डालना वेजिटेबल्स के बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब हम पलटेंगे तो जो हमारा चीला है वो चिपक जाएगा। ये चीला भी हमारा बन करके हो गया तैयार। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।